Hello students, today we will discuss models in your English grammar. What is models? What is model? Model kya? Model word is derived from mode. Model शब्द को mode से लिया गया है, which means is विधि, जिसका तरीका होता है विधि, कार्य करने की विधि या manner, तरीका. तो models की मैं definition बता रहा हूँ. Models are verbs which are used before ordinary verbs to express permission, possibility, ability, obligation, suggestion, request and so on. Models वे क्रियाएं हैं जो ordinary verb से पहले प्रयोग की जाती हैं to express व्यक्त करने के लिए, क्या व्यक्त करने के लिए, permission व्यक्त करने के लिए, possibility व्यक्त करने के लिए, ability व्यक्त करने के लिए, obligation व्यक्त करने के लिए, suggestion व्यक्त करने के लिए, request व्यक्त करने के लिए and so on. और इसी तरीके से और भी विचारों को व्यक्त करने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन कैन रीड उर्दू. तो ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, क्या व्यक्त कर रहा है, एबिलिटी, योग्यता. यानी मोहन में इस बात की एबिलिटी है वो उर्दू को पढ़ सकता है. यू शुड मीट द डॉक्टर. तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए. इसमें दोनों चीज हो सकती है, एडवाइस भी है, सजेशन भी है. नाउ वी विल डिस्कस can and could. Could is the past form of can. Could can की past form है. तो where we can use can. Can का use हम कहाँ कर सकते हैं? तो can indicates ability to do something. Can किसी कार्य को करने की, किसी कार्य को करने की योग्यता को दर्शाता है. For example, महेश can drive the new racing car. महेश नई रेसिंग कार को ड्राइव कर सकता है, महेश नई रेसिंग कार को चला सकता है. तो वो इस कार के करने के लिए एबल है, यानी योग्यता है उसमें इस बात की. और नेक्स्ट पॉइंट, सजेस्ट परमिशन व्हिच इज लेस फॉर्मल देन मैन. तो ये कैन में से कम फॉर्मल है, यानी लेस फॉर्मल है. इसको हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज इनफॉर्मल. ये हम इसको कैन का यूज की अपेक्षा इन्फॉर्मल में यूज कर सकते हैं. इन्फॉर्मल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई एक्वेंटेड पर्सन है, अगर हमारा कोई परिचित व्यक्ति है, तो हम उससे क्या करते हैं, आते कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, और लेते जा रहे हैं. तो ये इन्फॉर्मल मैनर हो गया. तो ये इन्फॉर्मल मैनर में ये मे की अपेक्षा कैन का यूज कर लेते हैं. जैसे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेट जनरल एंड ऑफिशनल पॉसिबिलिटी. ये इंडिकेट जनरल, जनरल क्या होगी, सामान, और ऑफिशनली क्या होगी, अवसर वाली, समय समय पर पढ़ने वाली पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो विथ यू टू सी द मैच. मैं आपके साथ मैच देखने जा सकता हूँ, लेकिन कब, जब मैं वहां पर अपने घर पे आपके साथ प्रेजेंट हूँ तब जा सकता हूँ, प्रेजेंट नहीं हूँ तो नहीं जा सकता. ये मेरा ऑफिशनल मैटर है. नेक्स्ट पॉइंट क्या, यूज टू मेक एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. अब अगर हम किसी को इन्फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मल रिक्वेस्ट किससे करते हैं, जो हमारा परिचित होता है उससे इन्फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं. कैन आई हैव सम आइसक्रीम, क्या मैं आप कुछ आइसक्रीम ले सकता हूं. नेक्स्ट, यूज ऑफ मे एंड माइट. अब हम मे और माइट का प्रयोग पढ़ें. सजेस्ट मे का इंडिकेट करता है, मे सजेस्ट परमिशन विच फॉर्मल इन नेचर एंड पोलाइट. तो मे के द्वारा जो परमिशन ली जाती है वो पोलाइट भी होती है. पोलाइट मीन्स क्या होता है, नम्र, यानी विनम्रता के भाव से ली जाती है. तो ये फॉर्मल है. मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूं, तो ये फॉर्मल है. इफ यू परमिट मी, अगर आप मुझे परमिट करते हैं तो मैं पानी पी सकता हूं. नेक्स्ट, इंडिकेट ए पॉसिबिलिटी विच इज स्ट्रॉन्गर देन माइट. ये जो पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है वो माइट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है. माइट से स्ट्रॉन्गर क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है. इसको हम पॉसिबिलिटी के साथ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि द क्लाउड्स ऑफ द रेन, जो बारिश वाले जो क्लाउड्स हैं वो बहुत तेजी से आ रहे हैं और लग रहा है कि आज बारिश हो जाएगी. तो फादर मे अटेंड द मीटिंग इन हिज ऑफिस. आज फादर मेरे यानी मेरे पिताजी ऑफिस में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूज ऑफ शुड. अब हम आपको क्या बता रहे हैं, शुड, शुड का क्या होता है, चाहिए. तो चाहिए के लिए शुड का यूज किया जाता है.
और शुड के द्वारा क्या व्यक्त किया जा रहा है? शुड के द्वारा यूज्ड टू सजेशन एंड एडवाइस, शुड के द्वारा सजेशन यानी सुझाव और सलाह को व्यक्त किया जाता है। यू शुड टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली, डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि आपको ये दवा दो बार लेनी है सुबह शाम, है ना। नेक्स्ट यूज अ मस्ट, मस्ट के थ्रू भी हम क्या यूज सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मस्ट के थ्रू हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को व्यक्त करते हैं। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, आपको अपने दोस्तों की हेल्प यानी जरूरत में हेल्प करनी चाहिए।